Hi guys, my name is Mohsin Khan. You're watching My Kind of Productions, and we are in Ahmedabad, Gujarat, in Jivaraj Park. And I mean, this area is Jivaraj Park. And we are getting bigger, we are getting better. And what bigger than Rajwadu? Honorable Prime Minister's favorite restaurant. Wow. और यहाँ पे मैंने सुना है जो थाली है बहुत ही यूज होती है लाविश होती है एंड प्रीमियम थाली ऑफ कोर्स. सो मित्रों बने रहो क्योंकि कुछ कुछ रेसिपीज हम एक्सप्लोर करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे जैसे कि आप हमारा ये वीडियो शेयर करेंगे वैसे ही देखते रहें माय काइंड ऑफ प्रोडक्शन माय काइंड ऑफ फूड. मतलब एंट्रेंस ही इतनी ग्रैंड है एम जो मजा मत एंट्रेंस ही इतनी ग्रैंड है कि यार अंदर का वो एक प्रिंस आपका जाग जाएगा. आ जाओ यार अपनी रेस्टोरेंट है आज. वो लुक एट दिस रजवाड़ू इज ह्यूज रजवाड़ू इज ब्यूटीफुल एंड जाइए एक विजुअल टूर तो लीजिए बिफोर वी डिग इन समथिंग. देखिए गुजरात की शान है भाई. कैसी लगी रेस्टोरेंट है ना बढ़िया. इट्स ए ह्यूज रेस्टोरेंट एंड एम्बियंस ही कुछ मजेदार है यहाँ पे और बहुत ज्यादा मजा आएगा जब आप अहमदाबाद में आते हैं तो रजवाड़ू जरूर आइएगा. नहीं आ पा रहे तो कुछ ही देर में हम रेसिपीज भी शेयर करेंगे. देखते रहे माई काइंड ऑफ प्रोडक्शन. नवाब वाली फीलिंग आ रही है रजवाड़ू वाली फीलिंग. काश मूछे होती मेरी ताव लगाने के लिए. हम ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी ये सब्जी. क्या नाम है सब्जी का वाला बटाटा. ये रस्सा वाला बटाटा. हाँ हाँ अब इसका रहस्य बोलते हैं इसकी रेसिपी आपको बताते हैं कैसे बनेगा. बताने के लिए हमारे साथ है महाराज जी. महाराज जी आपका नाम दुलशंकर. दुलशंकर जी आप महान महान महाराज. ओके तो यहाँ पे हमारे साथ महाराज जी. कितने साल से पैसे आप बना रहे हैं. 15 साल का एक्सपीरियंस अब आपके किचन में आने वाले हैं. आप दुनिया में कहीं पे भी है सबसे पहले इन दोनों का थैंक यू करते हैं. एक बार पूरी टीम जो इनकी है उन सबका मैं थैंक यू करना चाहता हूँ. सभी लोग मेहनत करते हैं और अब ये हमें रेसिपी बताने वाले हैं. तो ये जो डिश है इसका नाम आपने बताया रस्सा वाला बटाटा. रस्सा वाला बटाटा. ओके एंड रस्सा वाला बटाटा बनाने के लिए क्या क्या लगेगा सर. इसमें सबसे पहले आलू को कटिंग करना पड़ेगा. ओके यहाँ पे आलू की कटिंग कर लेते हैं. ओके आलू की कटिंग करेंगे. कितने आलू लेने हैं. दो आलू लेंगे. एक पोर्शन बनेगा. एक पोर्शन के लिए दो आलू लगते हैं. आपने बोके रखे हैं. हाँ जी. और छिलका नहीं निकालना इसका. नहीं छिलका नहीं निकालना. ये देखिए आपको छिलका नहीं निकालना होगा. इसको कटिंग करके फिर चौके बनेंगे. दो मीडियम साइज आपने आलू लेना है. उबालना नहीं है. कच्चा आलू. नहीं कच्चा आलू. कच्चा आलू है. छिलका नहीं निकालना. अब इसको आप वॉश करेंगे. आप पानी में इसको आप कटिंग के बाद आपने इसे पानी कटिंग के बाद इसमें मिट्टी नहीं आएगी. कटिंग के बाद पहले कहते हैं मिट्टी है. अच्छा ये एक और लाइक इन्होंने बताया आलू जब भी आप सब्जी कोई भी सब्जी बनाते हैं ऐसी बनाओ. कटिंग के बाद आप उसे धोना चाहिए. ये जो आलू है आपके एकदम ही क्लीन हो गए. बघारने की तैयारी करेंगे. आप लोग आ जाए अंदर. हाँ तो महाराज जी अब क्या रस्सा वाला बटाटा बनाने की विधि शुरू करते हैं. हाँ विधि शुरू करते हैं. चलिए क्या क्या लगेगा. सबसे पहले तेल लगेगा. शुरू करिए. तेल डाल दीजिए. स्टार्ट करिए. ये आसान है रेसिपी. सबसे पहले तेल डाल दीजिए. 3-4 चम्मच तेल डाल दिया. ओके 4 चम्मच तेल लिया है. जी. एक पोर्शन के लिए. सूखी मेथी ये 1/2 चम्मच मेथी. राई चलेगा. एक उसमें भी वो बार बार राई. जीरा जीरा इसके बाद में तमालपत्र. जी तेज पत्ता बोलते हैं. तेज पत्ता. लाल आका मिर्चा. लाल सूखी आखी मिर्ची. आखी मिर्ची. और ये तड़के का तज लवण. ठीक है तज लवण. ये तज तज का लग रहा है. तज और ये लवण. लवण. हाँ लवण. क्या बात है. सो वी आर शूटिंग इनसाइड द किचन एंड
all excited. We are in the kitchen of Rajwadu. लाल मिर्ची, लाल मिर्ची, हल्दी, हल्दी, आधा आधा चम्मच डाल रहे हैं आप, और हींग, हल्का सा हींग, और इसके बाद नीम का पत्ता, कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता, मीठा लिमड़ा, कड़ी पत्ता, इसके बाद एक चम्मच पत्ते पानी डाल दो, ओह, ये देखिए, नाइस, अच्छा 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 ये बटाटा आपको डालना है बस अरे क्या बात है ये रस्सो वाला बटाटा भी डाल दिया रजौड़ में सबसे अधिक रस्सो वाला बटाटा हमारे इधर बहुत ज्यादा है अच्छा ये आपका रजवाड़ू में रस्सो वाला बटाटा इज वन ऑफ द फेमस आइटम्स और इसी वजह से पूरी थाली में से मैंने इसे चूज किया है अब इसमें और दूसरा इट्स वेरी इजी सॉल्ट अब आप डालेंगे स्वाद अनुसार परमान सर परमान सर नमक गलपन के लिए इसमें गुड़ डालेंगे अरे ये बड़ी इंटरेस्टिंग है मतलब गुड़ डाल रहे हैं मिठास रहती है गुजराती खाने में अब इसको हिला देंगे गुड़ भी डाला है तो एक स्वीटनेस आ जाएगी और ये खट्टा नींबूड़ा खटास के लिए नींबू नींबूड़ा 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 और ये हल्का सा इन्होंने बहुत ज्यादा नहीं लिया खटास के लिए इन्होंने नींबूड़ा भी डाला है खुशबू इतनी अच्छी आ रही है मुंह में अभी पानी आ गया ये क्या है धनिया पाउडर धनिया पाउडर ये अच्छा खासा डाल रहे हैं अब डेढ़ चम्मच धनिया पाउडर ये रस्सा अब आपने पानी डाला ये तैयार भी हो रहा है इसको ढकना वकना कुछ है कि ढकना नहीं बस कितने देर तक इसे पकाना होगा 20 मिनट 20 मिनट पक जाएगा तो इसको अभी ऐसे ही छोड़ दो हाँ जी स्लो गैस पे हाँ जी स्लो गैस पे इसे छोड़ना है और ये तैयार हो जाएगा कुछ ही देर में देखते हैं हैव अ लुक तो ये अपने आप लाल रंग पकड़ लेगा जैसे उसे 20 मिनट बनाना हो तो इसको 20 मिनट तक आलू आलू पकता नहीं आलू कच्चा रह जाता है हाँ तो 20 मिनट तक अब आपको ऐसा रखना है और ये रंग भी पकड़ लिया है इसने ऑल राइट सो यहाँ पे ये रस्सा वाला जो बटाटा है हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है 20 मिनट्स तक आपको इसे बनाते रहना है और 20 मिनट्स बाद इसमें फ्लेवर्स आ जाएंगे कलर्स आ जाएंगे तड़का आ जाएगा मिठास आ जाएगी गुड़ की और खटास भी आ जाएगी तो ऐसे ही आई एम श्योर आप भी इस रस्से वाले बटाटे को ट्राई करेंगे घर पे एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे इस चैनल को हमारे इस वीडियो को एंड थैंक यू सो मच कीप वॉचिंग आई विल बी सैम्पलिंग द रस्सो वालो बटाटा रस्सा वाला बटाटा वेरी सून देखते रहें सो आई टेल यू व्हाट रजवाड़ू इज नॉट ओनली अबाउट फूड यमी फूड तो आप खाते ही है बट इट्स एन एक्सपीरियंस इमेजिन शाम में यहाँ पे ठंडी है म्यूजिक चल रही है एंड वी हैव दैट राजस्थानी फोक सॉन्ग आराम से यहाँ पे राजा महाराजा जैसा बैठो और पीछे फाउंटेन है और आगे मेरे यहाँ पे रस्सो वालो बटाटा है रस्सो वाला बटाटा और महाराज जी ने कहा ये मैं खाऊंगा बकरी के साथ बकरी के साथ इनफैक्ट देव कम टू सी माई रिएक्शन ऑल्सो कि उनको कैसा लग रहा है मुझे कैसा लग रहा है सो रस्सो वाला बटाटा का स्वाद कैसा है ये मैं आपको बताऊंगा और यहाँ पे ये देखिए हाँ मक्खन कितने प्यार से इन्होंने परोसा है लुक एट दैट हाउ सुपर्ब इज इट प्रेजेंटेशन तो और इनकी जो ये थाली भी इन्होंने इस्तेमाल की एकदम ये ट्रेडिशनल फील आ रहा है महाराजा वाला फील आ रहा है और रस्सो वाला बटाटो विद द भाकरी पहले तो मैं सिर्फ ग्रेवी डिप करके खाऊंगा वाह महाराज जी बहुत बढ़िया बहुत सारू छे एंड ग्रेवी इज डिलिशियस एंड इसमें आपने गुड़ भी डाला था ना
गुड़ का मिठास आ रहा है, मिर्ची का तीखापन आ रहा है और ये बटाटा, वाह फैंटास्टिक इज द वर्ड। और आपने जो छिलटा नहीं निकाला वो भी मजा आ रहा है, मतलब बटाटा सॉफ्ट होने के बाद वो छिलटे का भी एक स्वाद ही वही है कि छिलटा के साथ, छिलटा के, हाँ छिलटा के साथ रसे वाला बटाटा और खटास की सलाद होती है और वो छिलटा के साथ ही, छिलटा के साथ ही बढ़िया आ रहा है। बाजरे की रोटी हम खाएंगे बैंगन के भरते के साथ, फैंटास्टिक ओवरऑल एक्सपीरियंस अमेजिंग। Well, seriously, you need to come to Ahmedabad and you need to come to Rajwadu. And किसी वजह से नहीं आ पा रहे तो you can try this Rasso वालो बटाटा, जैसे महाराज जी ने बताया वैसे ही बनाना, it is amazing out of the world. And yeah, we're going high on flavors, we're going high on the subscribers. Thank you so much to all our subscribers who've been giving us love all over the world. ऐसे ही लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. Thank you so much for all the love. Be positive, stay hungry and stay sweet. Yeah? Take care.